सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से नूतन वर्षा अभिनंदन, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ऐसे ही खुशियां बांटते रहे और आप सभी के घर में हमारे घर की तरह खुशियां आती रहे, घर में बरकत रहे और माता लक्ष्मी आपके ऊपर पूरे साल ऐसे ही कृपायमान रहे और आपके घर में भी बरकत रहे, ये मेरी दिल से अभिलाषा है। तो आप सभी को फिर से एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अभी हम सब हो गए हैं तैयार, तो अभी हम जाएंगे पड़ोस में सभी के घर में और हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए। हमारे यहाँ भी सब लोग आएंगे, आप लोग को आगे आगे शेयर करूंगी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी रंगोली। मैंने आपको कहा था कि मैं आंगन में बहुत ही बड़ी रंगोली बनाती हूँ, तो कल रात में 2 बजे तक जाकर चक्कर मैंने रंगोली बनाई है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और धारा भी तैयार हो गई है, तो देखिए धारा कैसी लग रही है वो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो चलिए मेरे साथ आप लोगों को दिखाती हूँ रंगोली। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रंगोली कैसी बनाई है और क्या डिजाइन बनाई है। और कल रात 10 बजे से मैं लगी हुई थी, रात के 2 बजे मैंने पूरी ही रंगोली कंप्लीट की है। तो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हर साल मैं इसी तरीके से बहुत ही बड़ी रंगोली बनाती हूँ आंगन में, और अगले साल की मेरे पास रंगोली होगी तो मैं साइड में लगा दूंगी पिक्चर, तो आप देख लेना। अगले साल भी मैंने बनाई थी और जब से धारा हुई है तब से ही मैं इतनी बड़ी रंगोली बना रही हूँ, वरना तो मैं छोटी ही रंगोली बनाती थी। तो चलिए ये थी रंगोली डिजाइन मैंने आपके साथ शेयर की, तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और मैं आज कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे कमेंट में बताना। ये वाली नई साड़ी है, तो आज देखिए मेरा पूरा लुक। आज मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया है, देखो। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, तो अभी देखो उंधियू बनाने के लिए सारे ही लोग लगे हुए हैं, क्योंकि सब मिलकर बनाएंगे तब जाकर ये उंधियू बनेगा, वरना तो उंधियू बनने वाला है नहीं। और बा कुछ कह रहे थे घिया चोरी के बारे में, बा क्या कह रहे थे बताओ। बोलो बोलो। આપે પી તો કોઈ ખબર ન હોય ને, હાલી ગલકા માં કરી દે દીવાનું જાઓ હું જાઉં, હું પૈસા આપે તો હું વાંધો અહીંયા કોઈ ન ખબર પડે, હું ઓલું બોલ નાખી પડવાના ઢોકળા બીજું હું હોય
हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो गया है दोपहर का खाने का, तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट। खाना खाने के लिए थाली लगा दी है मैंने, यहाँ पर है ऊंधियू पूरी सलाद चावल सोन पापड़ी और पापड़ उड़द का पापड़ है, तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट खाना खाने के लिए। और मैं गर्मा गर्म पूरिया यहाँ से बनाकर देती जाऊंगी और वहाँ पर वो चारों ही लोग बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए और मैं आखिर में बैठूंगी, क्योंकि ऊंधियू गर्मा गर्म पूरी के साथ ही खाने में मजा आता है, ठंडी पूरी के साथ खाने में मजा नहीं आता। और आज के दिन हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती, पूरी ही बनती है। तो चलिए फटाफट खाना खा लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए और टेस्ट कर लीजिए ऊंधिये का। आज तो हर घर में ऊंधियू ही बनेगा। हम खाई लो, जल्दी करो। चलो, मानव को बहुत ज्यादा भूख लगी है, पूरी ठरी जा है, मानव को मुंह में से लार टपक रही है ऊंधियू देखकर। सोन पापड़ी राह जो है, ये मिठाई राह देख रही है मानव की, कब से बोल रही है कब मैं मानव के मुंह में जाऊं, कब मैं जाऊं। तो चलो अभी तुम खाना खाने बैठ जाओ और आप लोग भी आ जाइए। तो आज आपको मेरी किचन भी थोड़ी फैली फैली दिखेगी और ये देखो मेरा एप्रन। तो चलो, हेलो गाइस, तो अभी रात के बजे हैं 11, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बज गए हैं और हालत हमारी देख सकते हो कैसी हो गई है। अभी हम बाहर से आए हैं, हम एक दूसरे जगह पर गए थे हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए और कुछ घर तो छोड़ दिए हैं, बाद में जाएंगे कल या परसों जब टाइम मिलेगा तब। तो आज तो हमारी हालत पतली हो गई है ना दादा, पूरा दिन ऐसे ही गया, मेहमान आते ही रहे और खातिरदारी में पूरा दिन चला गया। हैप्पी न्यू ईयर और 15 दिनों से लगी हुई थी दिवाली 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 दिवाली, आ भी गई चली भी गई और कल है भाई दूज। तो आप सभी को मेरी और धारा की तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामना। तो चलिए इसी बात पर आज का वीडियो भी यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो कल फिर मिलेंगे एक नए से वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।